प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट के साथ ही धुआंधार एयरपोर्ट की शुरुआत की जा रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। लेकिन ऐसा लगता है पूर्णिया में एयरपोर्ट पर लगा ग्रहण भी तभी छूटेगा जब बिहार में लोकसभा या विधानसभा चुनाव होगा। दोस्तों, इन नेताओं के लिए चुनाव कितने मायने रखता है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुशीनगर में महज 5 महीने में हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट पर टर्मिनल का निर्माण कर लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के वादे के 6 साल पूरे हो जाने के बाद भी पूर्णिया एयरपोर्ट के नाम पर एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट की एक जैसी समस्या होने के बाद भी चुनाव जीतने के चक्कर में सरकार ने उस समस्या को तुरंत दूर कर लिया, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट पर सारा बिल जमीन अधिग्रहण के नाम पर फाड़ दिया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं कि आखिर पूर्णिया और कुशीनगर एयरपोर्ट में कौन सी समस्या एक समान थी जिसे राजनीतिक इच्छा शक्ति पर तुरंत दूर किया जा सकता है। बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उनको चालू किया जा चुका है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर अपनी कनेक्टिविटी का विस्तार किया है और आने वाले सालों में भारत में 200 और हवाई अड्डे होंगे, लेकिन शायद यह सरकार को भी पता नहीं होगा कि आखिर वो कौन सा साल होगा जो सीमांचल के 2 करोड़ लोगों की मांग को पूरा करेगा और पूर्णिया को अपना एयरपोर्ट मिलेगा। ऐसे में उनका यह वादा ठीक वैसे ही खोखला है जैसे साल 2014 में पूर्णिया की धरती पर उनका एयरपोर्ट देने का दावा हवा हवाई ही नज़र आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट बनने की राह में अटके सबसे बड़ी समस्या जमीन अधिग्रहण की। जैसे पूर्णिया में जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार बहाने बना रही है, ठीक वैसे ही कुशीनगर में भी एयरपोर्ट बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जमीन अधिग्रहण ही था, जिस वजह से बीते 15 सालों से वहां एयरपोर्ट का काम नहीं हो पा रहा था। हालांकि जैसे ही यूपी चुनाव नज़दीक आया, ठीक वैसे ही सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कुशीनगर एयरपोर्ट को शुरू करने में और देखिए 1 साल से भी कम में वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुशीनगर से 8 से 10 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार इसके नाम पर लोगों का वोट अपनी पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर कुशीनगर के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या को चंद दिनों में सुलझाया जा सकता है तो फिर पूर्णिया एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण को लेकर इतने सालों से प्रोजेक्ट को लटकाकर क्यों रखा गया है? इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर अपने फायदे के लिए एयरपोर्ट के मामले में लटका रखा है ताकि समय आने पर इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में किया जा सके। ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर कुशीनगर के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या को चंद दिनों में सुलझाया जा सकता है तो फिर पूर्णिया एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण को लेकर इतने सालों से प्रोजेक्ट को लटकाकर क्यों रखा गया है? इससे तो ऐसा लगता है सरकार जानबूझकर अपने फायदे के लिए एयरपोर्ट के मामले को लटका रखा है ताकि समय आने पर इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में किया जा सके। दोस्तों, जैसे यूपी के कुशीनगर में बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोरखपुर में नेपाल बॉर्डर से सटा सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, ठीक वैसे ही पूर्णिया एयरपोर्ट भी नेपाल और चीन सीमा पर उत्तर पूर्व में रणनीतिक रूप से सबसे करीबी एयरपोर्ट बन सकता है, जिससे देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। लेकिन अभी बिहार में चुनाव नहीं है ना, इसलिए उस एयरपोर्ट के नाम पर राज्य और केंद्र सरकार को सांप सूंघ जाता है। दोस्तों, 260 करोड़ रुपए की लागत से बना और 3600 वर्ग मीटर में फैला कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशीनगर वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये 4 प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है।
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के आसपास के जिलों के लिए भी फायदेमंद है। वहीं बात अगर पूर्णिया एयरपोर्ट की करें तो 120 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के नाम पर जिला प्रशासन के खाते में जमा है, जो पड़े पड़े सर रहा है, लेकिन सरकार और अधिकारी को शर्म तक नहीं आती है। ठीक ऐसे ही पूर्णिया में बना एयरपोर्ट भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़े महत्वपूर्ण धर्म स्थल हैं, जहां हिंदू पर्यटक भारी संख्या में पहुंचकर जिले की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ा सकते हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने से उत्तर प्रदेश में जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक वैसे ही पूर्णिया एयरपोर्ट से भी बिहार में पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं डबल इंजन वाली केंद्र और राज्य सरकार को पूर्णिया एयरपोर्ट की कब याद आती है और क्या इसके लिए अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।